तो मैंने कल आपको कहा था कि मैं मेरी पर्सनल ट्रिप होने वाली है और मैं महालक्ष्मी या हजियाली उस तरफ जाने वाला हूँ या फोर्ट की तरफ। आज क्या प्लान है मुझे बताया गया नहीं। चपाती से मेरा रोटी से पेट भरना पड़ा क्योंकि एक रोटी मैंने बिल्ली को खिला दी। चलेगा, एक रोटी कम खाएंगे पर दूसरे का पेट जरूर भरेंगे। इतना दिन से खाना नहीं खाया है, क्या मालूम। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आज के मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। तो मैंने कल आपको कहा था कि मैं मेरी पर्सनल ट्रिप होने वाली है और मैं महालक्ष्मी या हजियाली उस तरफ जाने वाला हूँ या फोर्ट की तरफ। आज क्या प्लान है मुझे बताया गया नहीं है, सिर्फ इधर जाना यही बताया गया है। तो उसको मैं फॉलो करूँगा और दिन का जो भी अपडेट रहेगा मैं आपको बताऊँगा। और ये सर मेरे बहुत ही खास है सर, मतलब ये इन्होंने, मैंने आपको बहुत सारे बार ये डिस्कस किया कि इन्होंने मुझे बहुत मदद की है लॉकडाउन में और हर एक चीज़ में। जब भी ज़रूरत है उन्होंने मुझे बुकिंग दी है और मतलब एक इनको मैं अपने पिताजी की तरह ही मानता हूँ क्योंकि बहुत ही मेरे नज़दीक है। मतलब इतने अच्छे पर्सन है कि कभी भी किसी भी चीज़ के लिए ना नहीं बोलते और कभी भी किसी चीज़ का बुरा नहीं मानते। तो ऐसे लोग दुनिया में बहुत ही कम होते हैं, उसमें से ये एक है। तो अभी उनको मैं पिकअप करने जा रहा हूँ और इसका कुछ मैंने डिसाइड नहीं किया है कि क्या फेयर होगा, कितना भाड़ा होगा या फिर कुछ भी, या मैं कुछ प्लान नहीं करता हूँ ये चीज़ के लिए क्योंकि ये मेरे घर के जैसा ही ट्रिप ही है। अगर वो जहाँ भी बोलेंगे मैं उनके साथ जाता हूँ और जो भी वो जो पैसा मुझे देंगे वो मैं ले लेता हूँ क्योंकि उनको भी मालूम है कि हम लोग ड्राइवर है, काम हमारे इस पे चलता है। तो वो कभी पैसे के लिए ना नहीं बोलते और दे ही देते हैं। तो अभी मैं उनको पिकअप करने जा रहा हूँ और जल्दी आपको मिलता हूँ। देखते आज का प्लान कैसा होगा और आज हम कहाँ जाएंगे। तो आप जुड़े रहिए मेरे ब्लॉग के साथ और अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब करने से और बेल आइकन दबाने से जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ आप तक पहुँचेगा। और मेरी मेहनत और मुंबई में ओला उबर की जो कमाई होती है मैं आपके सामने प्रेजेंट कर पाऊँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। धीरे धीरे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, बहुत जगह तक मेरा वीडियो जा रहा है यूट्यूब का। तो आप ऐसे बने रहिए और कंटिन्यू आप मेरा व्लॉग देखते रहिए और कमेंट करना मत भूलिए। आप अगर कमेंट करोगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपने वीडियो देखा है और कितने लाइक आए हैं। आप सिर्फ वीडियो देखते हो और लाइक और कमेंट नहीं करते हो, तो प्लीज़ जो भी है आपके मन में वो उसमें डाल दीजिए। बाय बाय, आपको मिलता हो थोड़ी देर में। बाय। परेल में हूँ, फिनिक्स मॉल के यहाँ पे। सर को मैंने उनका कुछ काम था यहाँ पे तो उनको यहाँ पे मैंने ड्रॉप कर दिया है और यहाँ पे छाँव में खड़ा हूँ। और तभी मुझे एक बिल्ली दिखी है और उसका एक पैर भी नहीं है तो उसको मैं खाना खिला रहा हूँ। कितना दिन से खाना नहीं खाया रहेगा क्यों पता नहीं है, तो उसको मैं खाना खिला रहा हूँ अभी। मेरे पास जो मैंने टिफ़िन लाया था उसमें से उसको दे रहा हूँ। मुझे उसको देख के अभी ऐसा लग रहा था कि बहुत दिन से उसने खाना नहीं खाया है, तो मैंने तो आधा रोटी दे दी थी तो और भी देता उसको।
यहाँ पे बिल्ली है, बहुत भूख लगी उसे, बहुत भूख लगी, बहुत बहुत भूख लगी। इतना दिन से खाना नहीं खाया है क्या मालूम, जितना भी दे रहे हैं वो खाते जा रही है, उसका पेट भरना चाहिए और कुछ भी नहीं है। और उसका एक पैर भी नहीं है, आप देख सकते हो, एक पैर भी नहीं है उसको। मेरे पास पानी भी है, उसको पानी पिलाता हूँ अभी, प्यास लगी है उसको, प्यास लगी होगी। इतना धूप है, हम लोग को भी प्यास लगती है, इसको भी प्यास लगी होगी, अभी कुछ देखता हूँ। जिसको प्यास भी लगी होगी तो इसको पानी भी पिला देता हूँ, अभी पानी पिलाना बहुत ज़रूरी है। इतना गर्मी में कैसा सहन करता रहेगा ये लोग क्या मालूम नहीं है, पानी पिला देता हूँ, पानी पी लेगा क्या मालूम, पानी पी लेगा, पानी पिएगा, लग रहा है क्या नहीं लग रहा है क्या मालूम नहीं, प्यास तो लगी है, देखते पानी पी लेगा। दोपहर के 2:30 बज चुके हैं आप देख सकते हो, और अभी मैंने खाना खा लिया है। आज एक चपाती से मेरा रोटी से पेट भरना पड़ा, क्योंकि एक रोटी मैंने बिल्ली को खिला दी। चलेगा, एक रोटी कम खाएंगे पर दूसरे का पेट ज़रूर भरेंगे। तो अभी भी सर नहीं आए, सर जैसे आ जाएंगे हम लोग अगला प्लान बनाएंगे कहाँ जाने के लिए। उनका ऑफिस का काम अभी भी चालू है, तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिलता है आपको थोड़ी देर में, बाय बाय। अभी मैंने सर को पिकअप कर लिया है फिर से, उनका ऑफिस का काम अभी ख़त्म हो गया था, तो दोपहर के 2 बजे, अभी दोपहर के 2 बज चुके हैं आप देख सकते हैं, 2 बज चुके हैं, और उनको 1:30 बजे वहाँ से मैंने 1:30 पर पिकअप कर लिया। तो अभी हम लोग अभी दादर में आ चुके हैं, दादर में थोड़ा उनका काम है, वो भी अभी यहाँ पे भी एक काम है तो वो काम कर लेंगे, और थोड़े टाइम के लिए गया है, कुछ उनका पर्सनल काम है वो करेंगे, और फिर से वो खाना खाने के लिए हम लोग एक होटल पे जा रहे हैं, अगर वहाँ पे पार्किंग मिलेगी तो गाड़ी लगा देंगे और खाना खा लेंगे। और या फिर दूसरी जगह पार्क करने पड़ेगी मुझे गाड़ी, वहाँ पे पार्किंग, होटल के सामने कोई पार्किंग वर्किंग होगी या नहीं होगी मुझे पता नहीं है, मुझे दूर दूर जाके गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी, और बाद में देखते हैं क्या होता है। उनका और एक प्लान है सिद्धिविनायक टेंपल में जाने का, तो सिद्धिविनायक टेंपल का भी दर्शन कर लेंगे वो, देखते हैं। आज बहुत दिनों के बाद वो बाहर आए, और मुंबई में बहुत दिनों के बाद आए, मुझे लग रहा है कि 2-3 साल के बाद ये मुंबई में आए हो गए अभी, ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि लॉकडाउन के पहले ये आए थे मेरे साथ ही, पर उसके बाद इन्होंने मुंबई फिर से आए नहीं है। तो देखते और आगे क्या क्या प्लान बनेगा करके, जुड़े रहिए मेरे साथ। अभी मैं पनवेल लौट चुका हूँ, मुझे मैंने जस्ट अभी सर को ड्रॉप कर दिया उनके घर पर पनवेल में, तो उन्होंने जब दोपहर को 3 बजे खाना खाया उसके बाद मैं थोड़ा देर वेट किया एक शिवाजी पार्क में, और मैंने भी उस टाइम पे कुछ थोड़ा बहुत खा लिया था, और उसके बाद फिर उनको पिकअप करके मैंने अभी आधे घंटे पहले 4:30 बजे उनको ड्रॉप कर दिया है। अभी शाम के 5 बज चुके आप देख सकते हो, तो मैं इनसे कभी रेट तय नहीं करता हूँ, ये खुद ही रेट तय करते हैं कि मेरा आज कितना देना है इनको, तो उनको भी सब मेरे बारे में हिसाब मालूम है कि डीजल का भाव बढ़ गया है, महंगाई बढ़ चुकी है, तो अपने आप ये खुद भी अपने हिसाब से पैसा मुझे दे देते हैं। तो इनसे इन्होंने बहुत टाइम मेरी मदद भी की थी, और इनसे मुझे मांगने के लिए भी बहुत बुरा लगता है कि मैं पैसे उनसे ले लूँ करके, पर मुझे तो लगता है मैं ना लूँ करके पैसे, पर ये ना बोलते हुए भी मेरे बैंक में डायरेक्ट पैसे भी डाल देते हैं। तो ये सर बहुत मेरे अच्छे सर है, और इन्होंने 90 किलोमीटर के लिए मुझे 2,500 रुपये दे दिया,
मैं होप नहीं कर रहा था कि मुझे इतना मिल जाएगा करके, पर उन्होंने मुझे ज़्यादा ही दिया है, ज़्यादा ही दिया नहीं मतलब जो हिसाब मार्केट में अभी जो रेट चल रहा है उसके हिसाब से उन्होंने दिया है, और इसके लिए मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और वो भी मुझे बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं, हर एक चीज़ में अपने घर की तरह ट्रीट करते हैं, तो उनके साथ जुड़ने में मुझे बहुत ही मज़ा आता है। तो आपने आपका आज का व्लॉग देखा रहेगा, बहुत ही छोटा हुआ है, जस्ट मैं उनको छोड़ के मैं आपको दिखाया कि उनको पिकअप किया और ड्रॉप कर दिया, फिर छोटा सा एक वीडियो बनाया, फिर एक अपडेट दिया, फिर अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ। तो इतना कुछ बताने के लिए नहीं था इस वीडियो में, तो ज़्यादा नहीं बता पाया। तो उन्होंने सर ने मुझे मैं घर पे लौटा था और मैं गाड़ी पार्क कर रहा था, तब तक उनका मैसेज भी आ गया, उन्होंने मेरे बैंक में 2500 रुपये दे दिए मुझे। मैं एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा था कि इतना जल्दी वो दे भी देंगे करके, मैं सोच रहा था कि ना दे तो अच्छा है, क्योंकि मैं इन्होंने बहुत मेरी मदद की है, तो इनको भी मुझे पैसा देना बाकी है अभी भी, तो इसके वजह से इन्होंने मुझे लग रहा था कि ना पैसे लूँ, पर उनको भी मालूम है हमारी ज़रूरत क्या है करके, वो पैसा उन्होंने दे दिया। तो ठीक है, आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ, और मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग में। कल जल्दी उठता हूँ, जल्दी अर्निंग पे चला जाता हूँ, क्योंकि आपने कल का आज वीडियो देखा ही होगा, कल आपने वीडियो देखा ही होगा कि मेरा अर्निंग कितना हुआ है, तो ये कंटिन्यू रहने वाला है ये पूरे महीने, तो पूरा महीना ये मेहनत करना है इस तरह से सेम। तो कल जल्दी उठ जाऊंगा और जल्दी गाड़ी पे चला जाऊंगा, तो जुड़े रहिए मेरे व्लॉग के साथ, आपको जल्दी अपडेट देता हूँ कि कल की अर्निंग कितनी हुई, और ऐसे ही जुड़े रहिए और अपडेट, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और आप जब कमेंट करोगे तभी मुझे पता चलेगा मेरे में क्या गलती है, क्या मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ, और आप लाइक करोगे तभी मुझे मेरे यूट्यूब को, तो मुझे पता चला कि इतने जन ने मेरा यूट्यूब को अच्छा उनको अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, टाटा बाय बाय।